हेलो दोस्तों, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में प्रदोष व्रत की तिथि एवं पूजन के शुभ मुहूर्त के साथ साथ पूजन विधि एवं महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। प्रदोष व्रत बाबा भोले को समर्पित मात्र एक ऐसा व्रत है जिसको करने से बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। बाबा भोले भंडारी होते हैं, सभी कष्ट एवं पीड़ा का नाश करते हैं एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक माह में दो प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष का, दूसरा कृष्ण पक्ष का। इस दिन बाबा भोले और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानें पूजन की तिथि एवं पूजन का शुभ मुहूर्त। मार्च महीने का दूसरा प्रदोष फागुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 तारीख को दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 8:21 से शुरू होकर अगले दिन 6:11 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार यह प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। आइए जानें प्रदोष व्रत की पूजन का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत शाम के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:34 से लेकर 8:55 तक रहेगा। आइए जानें प्रदोष व्रत के पूजन का नियम। सुबह साधक जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने पूजा घर को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद व्रती शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें और एक वेदी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से उनका स्नान कराएं एवं पूरा गंगा जल में से जल से अभिषेक कराएं। कुमकुम और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। देसी गाय के घी का दिया जलाएं। भांग धतूरा बेलपत्र समीप पत्र चढ़ाएं और सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। पुनः शाम को स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर या घर में ही की वेदी पर भगवान भोले की पुनः सुबह की तरह पूजा करें। खीर का भोग लगाएं। पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र ओम हम जुम स्व ओम भूर्भुवस्व ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्य बंधना मित्तम मुक्षे मामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जुः होम। इस मंत्र का संभव हो तो 108 बार जप करें। प्रदोष व्रत कथा कहें या सुने, आरती करें, पूजा को पूर्ण करें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। अगले दिन सुबह उठने के बाद पुनः स्नान ध्यान और पूजा पाठ करने के बाद आप इसको व्रत को खोलें। आइए जानें प्रदोष व्रत का महत्व। मार्च का आखिरी प्रदोष व्रत काफी खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान भोले का आशीर्वाद मिलता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।